स्वागत है आपका हमारे चैनल ईएनजेड चेयर मैन्युफैक्चरर में। तो आज जो हम बात करेंगे कि आपका जो हाइड्रोलिक है जो चेयर के नीचे लगा होता है ये वाला पार्ट ये ब्रेक हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है। मैंने एक पहली वीडियो बना रखी है तो उसमें बताया हुआ है कि जब आप हाइड्रोलिक यूज करते हैं तो जैसे मैं इसको मिनिमम पे करता हूँ और फिर जब हम इसमें बैठते हैं पुश करते हैं तो फिर वो नीचे तक जाता है तो वो ब्रेक होने का इशू रहता है। उसके लिए देखना है तो यहाँ पे वीडियो बना रखी है, आई लिंक पे आप रेफर कर सकते हैं। तो वो एक रीजन है, बट उसके अलावा भी एक दो रीजन है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो रीजन ये हो गया कि आप इसमें मिनिमम पे रखते हैं, बट ये दूसरा हाइड्रोलिक है तो इसमें आप जब मिनिमम पे भी रखते हैं ना तो ये आपसे काफी दूर रहता है। तो वो रीजन तो नहीं होगा कि जब ये लोहे वाला पार्ट इस वाले प्लास्टिक पे टकराता है, तो एक रीजन ये होता है कि वो ब्रेक हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक वाला प्लास्टिक वो ब्रेक कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको, हाइड्रोलिक पहले दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोलिक है जो ब्रेक हो रखा है, ये इनका ये देखिए ये पार्ट जो है ब्रेक हो रखा है, इसमें से आवाज भी आ रही है ना। मैं भी वीडियो में पता नहीं इतना क्लियर है कि नहीं, बट इसमें से आवाज आ रहेगा अभी। तो ब्रेक वाला पार्ट सारा इसमें फंसा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन होता है ये, मैं और हाँ ये निकल गया, ये ऐसे फिर वोबल, ये और पूरा टूट जाएगा तो ऐसे ही वोबल होने लग जाएगा। ये देखिए काफी टूट गया, अब इसमें से निकालता हूँ ये प्लास्टिक के, ये देख रहा हूँ ये टूट के इसमें गिर गए हैं। तो ये रीजन, एक तो रीजन होता है कि आपका जो ये लोहे वाला पार्ट है इस प्लास्टिक पे आके बार बार टकराता है, तो बट इसमें जो हाइड्रोलिक है ये इसमें नहीं टकरा रहा है, बट आपके में हो सकता है कि आपका जो दूसरा हाइड्रोलिक लगाओ और वो नीचे आके टकराता हो, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन होता है कि आप इसको मैक्सिमम हाइट पे करके रखते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे करने से क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी ना ठीक से रहती नहीं, फिर आप इधर भी जैसे आदत होती है पाँव ऐसे रख के, फिर कभी इधर हो रही है कभी उधर हो रही है, ये एक दो बार में नहीं होता है, बट अगर इसको बार 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 यूज करेंगे ऐसे ही इस तरफ उस तरफ करने से, तो होता क्या है ये जो लोहा वाला पार्ट है ये होता है, मैं इसको पूरा निकाल के ये निकाला हुआ है, ये ऐसे होता है इसमें, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले प्लास्टिक से जब हम ज्यादा हाइट पे करके रखते हैं और एक तरफ इधर उधर हम बैठते हैं तो क्या होता है ये भी इधर उधर होने की कोशिश करता है, तो इधर उधर होने की कोशिश करने की वजह से क्या है ये जो अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है इस हाइड्रोलिक में उस पर क्या करता है ये फोर्स लगाता है, तो जब इसमें फोर्स लगाएगा तो ये वाला जो पार्ट है ये तो प्लास्टिक का पार्ट होता है बट ये वाला मेटेलिक होता है, ये भी मेटेलिक होता है, तो ये मेटेलिक वाले पे प्रेस करता है, तो इसकी वजह से क्या है ये जो इसके आप प्लास्टिक है ये जो है टूटने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, इसको जब भी आप यूज करें तो इसको हल्का बीच में मिडल हाइट पे कर लीजिए, अब ये आपका उतना अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप इसको पूरी हाइट पे कर लेंगे तो क्या होगा, इस तरह बैठेंगे उस तरह बैठेंगे तो जैसा मैंने बताया ये आपका लोहे वाला इस पे प्रेशर डालेगा प्लास्टिक वाला, फिर प्लास्टिक वाला क्या इस वाले लोहे पे आएगा और फिर इसके जो एजेस हैं वो ब्रेक होने लग जाएंगे और फिर ऐसे पार्ट में हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये आपका पूरा ही ब्रेक हो जाएगा एंड ये ऐसे आपकी चेयर पूरी वॉबल करेगी। और फिर अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, ये जो कंप्लीट हाइड्रोलिक है अलग से मैं दिखा देता हूँ पूरा, ये कंप्लीट हाइड्रोलिक है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और हमारे पास मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, बट यूज करने का तरीका यही होता है। एक तो ये रीजन हो गया, एक तो आपका लोहा टकराने का है, लोहा जब इस प्लास्टिक वाले पार्ट से टकराता है, दूसरा आप ज्यादा हाइट पे करके और फिर इस पे करते हैं जिस वजह से वो बबल होती है और लोहे वाला पार्ट प्लास्टिक से टकराता है। तीसरा रीजन होता है कि मान लीजिए आपकी चेयर का कोई पार्ट ब्रोकन है, क्या क्या पार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, या तो ये लोहे वाला पार्ट ब्रोकन है जिस वजह से चेयर बबल हो रही है, या फिर आपका व्हील या कोई कुछ ब्रेक हो गया है बट आप कुछ लगा के काम चलाओ काम करके पत्थर लगा गया कुछ भी, या फिर कुछ भी नहीं लगा के आप ऐसे यूज कर रहे हैं, अब ऐसे यूज करने पे चेयर क्या है टेढ़ी है आपकी, चेयर आपकी टेढ़ी है, फिर वही काम दोबारा यहाँ पे हो जाएगा, चेयर आपकी टेढ़ी है, टेढ़ी होने की वजह से हाइड्रोलिक भी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होने की वजह से ये क्या इस वाले प्लास्टिक पे ही जोर लगाएगा और ये फिर इस लोहे पे जोर लगाएगा, फिर इसके आपके एजेस टूटने के कारण वो टूट सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये वाला व्हील निकाल दिया तो चेयर क्या हो गया ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी जब इस पर बैठेंगे तो फिर ये लोहा भी टेढ़ा होने की कोशिश करेगा, टेढ़ा होने की कोशिश करेगा इस प्लास्टिक पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर इस लोहे पे आएगा और फिर इस प्लास्टिक के एजेस टूटेंगे क्योंकि जो चीज कमजोर है वही टूटेगी ना आपकी, फिर ये टूटेगी फिर आपकी ये हाइड्रोलिक भी टूट जाएगा। तो ये दो तीन चीजें हैं, अगर आपकी चेयर पहले से ही डिसबैलेंस है तो उसको सही करवाएं, ठीक है। दूसरा ज्यादा हाइट पे ना रखें, मीडियम हाइट पे रखें, और तीसरा आप जब इसको मिनिमम हाइट पे भी रख रहे हैं तो ये ध्यान दे दीजिए कि कहीं ये वाला लोहा इस वाले प्लास्टिक पर हिट तो नहीं कर रहा, तो ये तीन चार रीजन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका हाइड्रोलिक काफी लंबे समय तक चलेगा, और अगर बाई चांस ब्रेक हो गया तो आपको हाइड्रोलिक हमारे पास मिल जाएगा, उसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन रीड कर लेंगे और हमारे को आप रीच कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।